क्राउड देख सकते हैं जो कि अब रमज़ान शरीफ है और तकरीबन अब 17वां या 18वां रोज़ा है और रमज़ान में और इस राशन के लिए हमारे साथ तआवुन किया था डॉक्टर सादी और सुल्तान साहब ने 40 बैग के लिए, उसके साथ साथ बकार मुस्तफ़ा और सेठ हमजा ने 10 बैग के राशन के बैग आ गए। आयशा अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। व्यूअर्स, आप इस वक्त क्राउड देख सकते हैं क्योंकि अब रमज़ान शरीफ है और तकरीबन अब 17वां या 18वां रोज़ा है और रमज़ान में जिस तरह से बढ़ती हुई महंगाई और यहाँ बेरोज़गारी का जो मसला हमारा पुराना ही था, लेकिन रमज़ान की वजह से एक्स्ट्रा खर्चे भी निकल जाते हैं, उसकी वजह से मुस्तहकिन ज़्यादा मुतासिर होते हैं। इनमें से बहुत सारे मुस्तहकिन हमारे पास वो भी हैं जो जिन्हें हम उस वक्त से लेके चल रहे हैं जब हम इधर हमने रोटियों का सेटअप किया था, जिसमें सर ने आपको बताया था, सर जमशेद ने, कि यहाँ बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो हमारे लिए मेहमान हैं, जिनमें कुछ कैंसर के मरीज़ थे, जिनमें कुछ माजूर थे, एबनॉर्मल थे, रिसेंटली एक बच्चे की डेथ हुई, वो भी लाजमी उनकी भी यहाँ रिलेटिव्स खड़ी है, लाजमी वालदा की कंडीशन नहीं है कि वो यहाँ आए। हमारे साथ वो शुरू से थी और अभी हमने उनको अपने प्रोग्राम में शामिल किया। इसके साथ साथ वो लोग जिनके वालिद साहब कैंसर से फौत हो गए, जिनके गले में कैंसर था, एक खातून जो हमारे साथ होती थी उनकी टांग में कैंसर था, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनकी भी मुफ़रत फरमाए। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ऐसे मुतासरीन हैं हमारे साथ जो कि अपनी बीमारियों के साथ साथ हमारे साथ हैं और इधर आते हैं और हम बिल्कुल उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, उनकी इंक्वायरी होती है, विजिट होते हैं, उसके बाद बाकायदा इधर सेलेक्ट करके उनके साथ तआवुन किया जाता है। और आज का तआवुन जो हमारे साथ इस राशन के लिए किया है 40 बैग हमारे साथ किए हैं डॉक्टर सादिया और सुल्तान साहब ने, उसके अलावा 10 बैग के लिए तआवुन जो किया है सेठ हमजा ने और वकार मुस्तफ़ा ने। थैंक्स आप सबका कि आप सब ने इन गरीब बहन भाइयों के लिए इधर ऐसा गिफ्ट राशन भिजवाया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूँ सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि जब रमज़ान शुरू हुआ था तो रमज़ान शुरू होने से पहले हमें तवक्कुआत थी कि यहाँ पर जितने भी मुस्तहकीन हैं उनको राशन बांटने का सिलसिला जारी और सारी रहेगा, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। आज 16वां रोज़ा है और हम आज राशन का प्रोग्राम कर रहे हैं, वो भी सुल्तान साहब और डॉक्टर सादिया के तआवुन से और सेठ हमजा, वकार मुस्तफ़ा और सेठ हमजा के तआवुन से। तो क्योंकि रमज़ान में जैसे खुर्दनोश की अशे की कीमतें भी बढ़ जाती हैं तो इससे हम भी थोड़ा परेशान हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा तो ये बेचारे जो मुतासरीन हैं, तो ये मुतासरीन को हमने बहुत वो किया कि कोशिश की है कि जो बेचारे इंतहाई दर्जे के पिसे हुए लोग थे तो उनको हम जल्दी जल्दी तकसीम कर दें। तो ये तमाम सिलसिले जो हैं अल्लाह पूरा करने वाला है। तो जो हमें तवक्कुआत थी कि हम राशन में भरपूर तरीके से हम प्रोग्राम करेंगे, तो जो अल्लाह का हुक्म था वो हम कर पाए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला 16वें रोज़े में हम पहला राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम का अमल करने जा रहे हैं। तो अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे मौके और फराहम करे ताकि इन गरीबों और मुस्तहकीन के हालात कुछ बेहतर हो सकें। तो व्यूअर, ये राशन का बैग आ गया, ये कपड़ा खोलो बेटा। ये राशन के बैग आ गए। आयशा, इनको कहो क्योंकि मैदान है ना, अभी हमारे पास टाइम है काफ़ी रोज़ा खुलने में। ये जैसे इसमें आटा, दाल, चावल, घी, तेल वगैरह सब यहीं चेक कर लें, क्योंकि जब ये बन रहा था तो हम वहाँ मौजूद नहीं थे, ठीक है ना। तो इनको कहना यहीं चेक कर लें, दुकानदार भी यहीं है, ठीक है। अब प्रोग्राम को शुरू कर रहा हूँ। तो व्यूअर्स, बाकायदा हम इधर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आ जाइए इधर से, अब मैं बताते चलो। इसमें दिलमुराद गोट, यारू गोट, नासरी गोट, यूसुफ गोट, 5J की लेडीज़ हमने शामिल किए हैं, ऐसे मुतासरीन हैं इसमें, ऐसे मुस्तहकीन हैं जिनकी इंक्वायरी हुई है, विजिट हुआ और बाकायदा विजिट करके इंक्वायरी करके इनको हमने शामिल किया। आ जाइए जी, हाँ, वेरिफिकेशन वीडियो इनकी दे दीजिए। और मैं ये आपसे एक बात यहाँ आपको कहती चलूँ कि यहाँ खुला इलाका है, आप अपना राशन चेक कर लीजिएगा कि आपका राशन दाल, चीनी, चावल वगैरह पूरे हैं, क्योंकि हम जिस वक्त ये राशन पैक हो रहा था हमारी टीम उधर मौजूद नहीं थी। आ जाइए,
इनके राशन यहाँ चेक कर लेना कि कोई चीज़ कमी नहीं है। जी हाँ दे दीजिए इनको। अलहमदिल्ला व्यूअर्स, आप देख सकते हैं तकरीबन राशन हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और इस राशन के लिए हमारे साथ तामून किया था डॉक्टर सादी और सुल्तान साहब ने 40 बैग के लिए, इसके साथ साथ वकार मुस्तफ़ा और सैयद हमजा ने 10 बैग के लिए हमारे साथ तामून किया था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मुस्तहकिन भाइयों के लिए रमज़ान में ये इनके लिए गिफ्ट भेजा और हमें उम्मीद है कि आप नेक्स्ट वीक में भी हमारे साथ इसी तरह कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राउड रह गया है, बहुत से ऐसे मुस्तहकिन रह गए हैं जिनको राशन नहीं मिला, तो हमें उम्मीद है कि आप इनकी तादाद देखते हुए हमारे साथ और इनके साथ कोऑपरेट करेंगे। हमें आपके ताउन का इंतज़ार रहेगा, जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।